साठी महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा। 75 वर्षांपासून प्रज्वलित असलेल्या अखंड ज्योतीला नमन करून चालिया व्रताची सुरुवात। सिंधी समाजाचा 40 दिवसांचा अखंड ज्योती उत्सव चालिया व्रत पर्व चालिया मंदिर उल्हासनगर कॅम्प 5 येथे 24 जुलै पासून 40 दिवसांच्या उपवासाची सुरुवात झाली। हा उपवास उत्सव जीवन आनंदी होण्यासाठी साजरा केला जातो। हा सिंधी समाजाचा सर्वात मोठा सण मानला जातो। झूलेलाल मंदिर चालिया साहब के यहाँ चालिया व्रत चालू हो गया है। उपवास तो 40 दिन का उपवास रहते हैं। हम लोग भी हर साल की तरह इस साल भी हमारा 40 दिन का उपवास रहेगा और 40 ही दिन हम चालिया पे भोलेनाथ दर्शन लेने के लिए आएंगे। भोलेनाथ का भी दर्शन लेंगे, चालिया साहब का भी दर्शन लेंगे, झूलेलाल का जी हैं चवनदान पल्ला ते बैठो आयो झूलेलाल। वैसे ही हम लोग हर दिन यहाँ सालों से आते हैं और सालों से दर्शन लेते हैं और झूलेलाल बेड़ा पार कर लेते हैं। भगवान झूलेलाल चालिया उत्सव हा सिंधी समाजाचा सर्वात मोठा धार्मिक सोहळा मानला जातो। गेल्या 75 वर्षांपासून अखंड प्रज्वलित असलेल्या पिरघोट येथून आणलेल्या पारंपरिक ज्योतीचे पूजन करून पूज्य चालिया साहेब मंदिर उल्हासनगर 5 येथे सकाळपासून पवित्र चालिया व्रतास प्रारंभ झाला। चालिया साहब के पावन अवसर पर और श्रावण भी महाराष्ट्र का चालू होने वाला है 2-3 दिन में और नॉर्थ भारत का चालू हो गया है, उस उपलक्ष में दोनों त्योहारों की सभी देशवासियों को और उल्लासनगर वासियों को करोड़ करोड़ बधाई। अभी इस बार हमारा जो त्योहार है कोरोना काल कम हुआ है, धामधूम से करेंगे, लेकिन मैं पूरे शहरवासियों को देशवासियों को विनंती करना चाहता हूँ कोविड-19 के नियमों का पालन करें। एक तो मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि कोरोना कभी भी बढ़े नहीं। प्रतिनिधि कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर। तुर्तास वेळ झाली आहे इथे थांबायची, पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रासह। धन्यवाद।